नूरपुर में प्रशासन द्वारा जगह जगह पर नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं कि यहां पर रेता बजरी इत्यादि ना फेंके, लेकिन गनीमत यह है कि जहां बोर्ड लगे हैं उसी के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि कहीं पर सरिया फेंका है, कहीं पर रेता बजरी फेंके हुए हैं। जब इस बारे में नूरपुर के तहसीलदार और अतिरिक्त नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गणेश ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लोग नोटिस बोर्ड लगाने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं। नूरपुर में प्रशासन द्वारा जगह जगह पर नोटिस बोर्ड लगाकर आगाह किया गया है कि वहां पर रेत बजरी इत्यादि ना फेंके, उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नोटिस बोर्ड पर लिखा होने के बावजूद भी नूरपुर में सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और उन्हीं स्थानों पर रेता बजरी फेंकी जा रही है। जब इस बारे में नूरपुर के तहसीलदार व अतिरिक्त नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गणेश ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लोग नोटिस बोर्ड लगने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं, बल्कि जब से नगर परिषद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है तो नूरपुर के हर घर घर में इश्तिहार भेजे थे कि कोई भी व्यक्ति बिना नगर परिषद की अनुमति से कोई भी घर का कार्य शुरू नहीं करेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोई भी घर के कार्य हेतु सामान लेता है तो उसके लिए नगर परिषद से पहले अनुमति ले और जहां पे नगर परिषद के द्वारा निर्धारित जगह बताई जाती है वहीं पर ही रेता बजरी का सामान रखवाएं। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल नगर परिषद के द्वारा चेतावनी ही दी गई है, लेकिन अगर फिर भी व्यक्ति नहीं माने तो नगर परिषद के द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारे ध्यान में काफी दिनों से आ रहा है कि लोग ऐसी जगहों पे डंपिंग कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जहाँ पे ऑथराइज नहीं है। इसके बारे में जब हमने पैम्पलेट्स हर घर में पहुँचाए हैं उसमें भी स्पष्ट तौर पे लिखा है कि बिना नगर परिषद की अनुमति के बिना कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल शहर में ना आए, लेकिन शायद लोगों को इसकी जानकारी अभी भी नहीं है। एक बार फिर से मेरी नगर परिषद नूरपुर के निवासियों से अपील है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने से पहले नगर परिषद से अनुमति लें और नगर परिषद द्वारा निर्धारित जो स्थल हैं वहीं पे ही अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल फेंकें। अभी हाल में ही हमने 3 लोगों को नोटिस दिए थे जो कि बचत भवन के पास उन्होंने ईंटें, रेत और बजरी फेंकी हुई थी। उन्होंने संडे तक का टाइम दिया था, उन्हें उठा लिया है और भविष्य में अब हमने एक कार्यवाही करने जा रहे हैं कि जो भी जहाँ पर बिना अनुमति के मटेरियल फेंका गया है उसको नगर परिषद वहाँ से उठा लेगा और इनको लोगों को पेनलाइज्ड भी किया जाएगा। इसके